तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको चाहने वाला जनता झूठे जा रहा है, तो आपको कैसे लगा है? बहुत अच्छा लगा। 59 लॉन्डिंग पुमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक गाँव से, आपका INC से, NPP से, JDS से, साथ में अभी NPP से ज्वाइन करके आया है। आज में न्यावसा का जो राजा है, चीफ ऑफ न्यावसा रंगमा वांगहाम के साथ में, उसका मोपा वांगसालू जैसे काउंसिल मेंबर, साथ में उसका परिवार, उसके रिलेटिव, अभी भारतीय जनता पार्टी में आपको मोर देन 60 हाउसेस ज्वाइन हो चुका है न्यावसा गांव से, और सभी ओवरऑल 59 लॉन्गडिंग पुमाऊ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी गांव से जो है दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के आया है। साथ में 11 साल हम लोग पास कैंडिडेट था, पास कैंडिडेट में हम BJP का था, साथ में थंगवांगवांग हम NPP का था, नोक्सा साह हम INC का था, चिंगा वांगपन PPA का था, वांगसु JDS का था। तो अभी जो है INC को छोड़ के नोक्सा साहम भारतीय जनता पार्टी का कामकाज को अच्छा लग के वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, उसके सपोर्टर को लेके। साथ में चिंगा वांगपन PPA का कैंडिडेट था, वो भी जो है अपना सपोर्टर लेके जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गया है। साथ में वांगसु वो आपका JDS का कैंडिडेट था, वो भी जो है अपना सपोर्टर को लेके के हमारा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट में, मेरा लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गया है। साथ में आज ये रंगमा वांगा में चीफ ऑफ न्यावसा, ये थंगवांग वांगहाम एक SMLA, उनके ही बड़ा भाई का, अपना खास बड़ा भाई का ही बेटा था, तो उसी गांव में कुछ भी विकास, जैसे कम्युनिटी हॉल नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, आजकल के ज़माना में बहुत ज़रूरी है आपका खेलकूद के लिए ग्राउंड नहीं है, उसी को लेकर के आया है कि ये सब जो है गांव में आपके तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास देगा, तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी का जी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके लीडरशिप को पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन, और भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट BR वागे, ये टीम को अच्छा लग के जो है रंगमा वांगहाम चीफ ऑफ न्यावसा, उसके साथ में बहुत सी आदमी न्यावसा से ज्वाइन हुआ है, हम उन लोग को स्वागत करते हुए हम एश्योरेंस दिया है कि ये सब जो उन लोग का डिमांड है हम आप CM साहब से डिस्कस करेगा, DCM साहब से डिस्कस करेगा, और जो ये विकास उसी गांव में ला देगा बोल के उन लोग के साथ में बात हुआ, और ये सब तो करने के लिए हम विधायक बना है, और साथ में गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट अरुणाचल में, ऑल ओवर अरुणाचल में डेवलपमेंट का काम कर रहा है, भारत देश में विकास का काम कर रहा है, साथ में लॉन्गडिंग जिला में विकास का काम कर रहा है, और मेरा पूरा उम्मीद है कि ये जो पॉइंट्स अभी हम जो बोला है उसमें जरूरत हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सभी योगदान देगा, और ये काम न्यावसा के विकास के लिए हम करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना मेंबर्स ज्वाइन हुआ है? अभी तो न्यावसा से जो है आपको मोर देन 65 हाउसेस ज्वाइन हुआ है। पहले जो 2019 इलेक्शन में ओनली 28 फैमिलीज था, अभी जो है आपका 60 से अबव फैमिली ज्वाइन हो गया है, तो उसके मतलब जो है आपका न्यावसा गांव से 300 से ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है, और अभी और भी जो है ज्वाइन करने का बहुत है, तो ओलू भी ज्वाइन होने का आपको ओलू के गांव में जो विकास इतना लाएगा तब तो ज्वाइन होगा बोल करके पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंडल प्रेसिडेंट लोग को खबर दे रहे हैं।
और लास्टली आपको चाहने वाला लोग के लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? हम यही मैसेज देगा कि हमारा 59 लॉन्गडिंग पोमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक को यही अनुरोध करेगा कि विकास हरे गांव में पुलिंग स्टेशन 1 से लेकर के पुलिंग स्टेशन 15 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसी जगह में विकास जितना यू है विकास लाने के लिए हम काम कर रहा है। और लोग से भी यही अनुरोध है कि अपना अपना पुलिंग बूथ में जो जितना ऑपोजिशन पार्टी में है और लोग को भी ये मैसेज पास करना है कि आपका 4 कैंडिडेट एक ही साथ में है और एक कैंडिडेट को छोड़ कर हम लोग एक ही साथ में करके लॉन्गडिंग 59 लॉन्गडिंग और लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए जो है साथ में यूनाइट करके काम करने जा रहा है। उसी के साथ वो लोग को भी यही मैसेज हम पास करेगा कि आप वो लोग भी और अपना बूथ में अपना गांव लेवल में और भी तगड़ा से काम करें। सबसे पहले तो मैं आपका सुंदर नाम जानना चाहूँगा। वाचो में क्या कहा या मेरा नाम रामा वंगम है, न्यौसा का हूँ, न्यौसा बसी हुए राजाओं में। आज अंकल तनभु का साथ में हम आया है। अभी मेरे खुद के लिए नहीं, बस्ती का डेवलपमेंट की उन्नति के लिए इसलिए हम आया है। हाँ भाई, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आप लोग कितना टीम बीजेपी ज्वाइन किया है, कितना आदमी? मेरे साथ में मेरा गांव का जो काउंसिल है, जो बस्ती को जो रूल करता है, वो जो है मेरे साथ में है। मेरा भाई है वंशा वंशु, मेरे परिवार जो है सब मेरे साथ में है, सब आया हुआ है और सब लोग। आज पूरा हर कोई तो नहीं आ पाया लेकिन मैक्सिमम आ चुका है यहाँ पे और जल्दी ही मुलाकात करा देगा अंकल से भी। तो पिछली बार आप कौन सा पार्टी में था और क्या सोच के आप बीजेपी ज्वाइन किया है? पिछली बार ये एनपीपी में था, उससे पहले तो कांग्रेस में था। इस बार जो है हम मेरा चाचा है कैंडिडेट, उससे हम नाराज़ होकर गया बोल के नहीं है लेकिन हम मेरा बस्ती का डेवलपमेंट के लिए हम सोच के हम गए हैं। उसका उससे कोई गिला शिकवा नहीं है मेरा, बस मेरा बस्ती का डेवलपमेंट के लिए हम ये कदम उठाए हमने।